हेलो वेलकम दोस्तों, ऑटो कंपेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट वर्सेस मारुति सुजुकी फ्रोनेक्स। इन दोनों गाड़ियों के बीच करते हैं कंपेयर और देखते हैं स्विफ्ट बेहतर है या फ्रोनेक्स। यूँ तो दोस्तों फ्रोनेक्स अभी हाल ही में लॉन्च हुई और काफ़ी सुंदर सी दिखने वाली क्रॉसओवर एसयूवी टाइप गाड़ी है और स्विफ्ट एक ज़बरदस्त दिखने वाली हैचबैक है। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं डिज़ाइन का शुरुआत करता हूँ। डिज़ाइन में स्विफ्ट एक हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है और यह हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। वहीं फ्रोनेक्स दोस्तों सुजुकी ग्लोबल स्लीप प्लेटफॉर्म पर बनाई हुई गाड़ी है जो कि क्रॉसओवर सेगमेंट में गिनी जाती है। अगर हम दोस्तों दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैटर है। किसी को स्विफ्ट पसंद आएगा तो किसी को फ्रोनेक्स। आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर दोस्तों हम डायमेंशन वाइज बात कर रहे हैं तो अभी आपके डिस्प्ले पर दोनों गाड़ियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिख रही होगी। दोस्तों अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई वाइज फ्रोनेक्स यहाँ पे 150 mm ज़्यादा लंबी है। चौड़ाई वाइज फ्रोनेक्स दोस्तों 30 mm ज़्यादा चौड़ी है और ऊंचाई वाइज फ्रोनेक्स दोस्तों 20 mm ज़्यादा ऊंची है। सो इन टर्म्स ऑफ साइज की अगर हम बात करते हैं तो साइज वाइज फ्रोनेक्स एक बड़ी गाड़ी है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट। तो बड़ी होने के नाते इस गाड़ी में स्पेस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट। हालांकि दोनों गाड़ी 5-सीटर ऑप्शन में ही सिर्फ आती हैं। जो बूट स्पेस आपको स्विफ्ट में देखने को मिलता है वो 268 लीटर का है और फ्रोनेक्स में है 308 लीटर्स का। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट इंजन की तरफ। इंजन वाइज दोस्तों आपको स्विफ्ट में देखने को मिलता है 1200cc का के सीरीज डुअल जेट इंजन जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। यह इंजन पावर जनरेट करता है 88 bhp का विद टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क। गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार के ट्रांसमिशन आ जाते हैं। इस गाड़ी में एक CNG ऑप्शन भी आता है जो कि पावर जनरेट करता है 76 bhp का विद टॉर्क ऑफ 98 Nm टॉर्क और CNG के साथ सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स आते हैं। फ्रोनेक्स की बात करूँ तो फ्रोनेक्स में दो प्रकार के इंजन आते हैं। पहला दोस्तों 1200cc का के सीरीज डुअल जेट इंजन सेम स्विफ्ट वाला जो कि पावर जनरेट करता है 88 bhp का विद टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क। दूसरा इस गाड़ी में काफ़ी पावरफुल इंजन आता है जो कि 1000cc का टर्बो पेट्रोल इंजन है। यह इंजन पावर जनरेट करता है 98 bhp का विद टॉर्क ऑफ 147 Nm टॉर्क। इस गाड़ी में दोस्तों का मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार के ट्रांसमिशन आ जाते हैं। इंजन की बात करें, माइलेज की बात करें तो माइलेज वाइज दोस्तों स्विफ्ट में आपको देखने को मिलता है पेट्रोल पर 22 km/l का माइलेज और CNG पर देखने को मिलता है 30 km/k का माइलेज। फ्रोनेक्स की बात करूँ, फ्रोनेक्स में आपको पेट्रोल में देखने को मिलता है 20 से 21 तक का माइलेज। तो यहाँ पे माइलेज के सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्विफ्ट आगे निकल जाती है क्योंकि इसमें CNG का ऑप्शन है और पेट्रोल का माइलेज इसका थोड़ा सा बेहतर आता है एज़ कम्पेयर टू फ्रोनेक्स। बात करें दोस्तों इन्फोटेनमेंट सिस्टम वाइज दोस्तों आपको स्विफ्ट में देखने को मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम जो कि एंड्रॉयड एप्पल नेविगेशन रियर पार्किंग कैमरा और 4 स्पीकर इसमें आ जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्रोनेक्स की तो फ्रोनेक्स में आपको एक नया डैशबोर्ड देखने को मिलता है जो कि ब्रीजा से काफ़ी इंस्पायर्ड है। 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉयड एप्पल नेविगेशन, 4 स्पीकर इसमें भी आ जाते हैं। तो अभी आप दोनों का डैशबोर्ड अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे हो। कौन सी गाड़ी का डैशबोर्ड आपको पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सेफ्टी वाइज बात करें तो सेफ्टी वाइज कोई अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस में नहीं कह सकता। स्विफ्ट को मिले हैं 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो कि काफ़ी डिसपॉइंट कर देगा आपको क्योंकि यार 10 लाख रुपये में 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मुझे नहीं दे सकता। वहीं मैं फ्रोनेक्स की बात करूँ तो फ्रोनेक्स की अभी तक सेफ्टी टेस्ट नहीं हुई है तो क्या सेफ्टी रेटिंग इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। जब हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो दोस्तों प्राइस वाइज स्विफ्ट में कुल पेट्रोल में 9 मॉडल्स आते हैं जो कीमतें ऑन रोड शुरू होती है वो 6,80,000 से शुरू हो रही हैं और टॉप मॉडल 10,20,000 रुपये में आ जाती हैं। CNG में गाड़ी में कुल 2 मॉडल्स आते हैं जो कीमत शुरू होती है वो 8,80,000 से शुरू हो रही है और टॉप मॉडल 9,60,000 रुपये में आ जा रही है। वहीं मैं मारुति सुजुकी फ्रोनेक्स की बात करूँ तो फ्रोनेक्स में पेट्रोल में कुल 12 मॉडल्स आते हैं जो कीमतें कुछ इस प्रकार से शुरू होती हैं 8,45,000 से बेस मॉडल शुरू होती है और 15,50,000 रुपये में टॉप मॉडल आ जाएगी। तो दोस्तों अब हम प्राइसिंग की अगर बात करते हैं, देखिए प्राइस वाइज फ्रोनेक्स काफ़ी एक्सपेंसिव है। सीधा सीधा टॉप मॉडल में 5 लाख रुपए का डिफरेंस है और यहाँ पे इसके पीछे एक रीज़न भी है कि अगर आप इसका टर्बो लेते हो तो यहाँ पे महंगा पड़ता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल इंजन जो दोनों में सेम आता है तो इस मामले में स्विफ्ट थोड़ा वैल्यू फॉर मनी लगता है। लुक सबका अपना अपना मैटर हो सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन पे आएँ कि कौन सी गाड़ी आम आदमी के लिए बेहतर है तो इन माई ओपिनियन स्विफ्ट की CNG काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वहीं अगर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस चाहिए तो फ्रोनेक्स का टर्बो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। दोस्तों फ्रोनेक्स या स्विफ्ट कौन सी गाड़ी पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे ऑटो कंपेयर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर।